इकट्ठा किए रखना धारणा कहलाती है। थोड़ी देर के अंदर मूलाधार कमल का हम ध्यान करने लगे, सीधे बैठ करके वहां हम कल्पना करेंगे, चार पत्ती का कमल है, ये चतुर्थ कमल है, ये सोने के रंग का है, इस प्रकार इसमें हमारे इष्ट देव जी गणेश जी बैठे हुए हैं, ये कल्पना करनी आरंभ करेंगे। इसका नाम धारणा है। व्यास देव जी ने वहां पर एक बात का स्पष्टीकरण कर दिया है, तत्रापि तावत् वृत्ति मात्रेण बंधु धारणा। कोई ये नहीं समझ ले, ये ले, ये पुस्तक ले ली और इसके ऊपर यूं आग टकटकी लगा धारणा करने लग जाए, इसका नाम धारणा है। देश बंद का बात तो यह है, किसी एक लक्ष्य स्थान को में चित्त को लगाए रखना धारणा कहलाती है, किंतु श्री व्यासदेव जी ने स्पष्ट कर दिया बिल्कुल, तत्रापि तावत् वृत्ति मात्रेण बंधु धारणा। कहने का अभिप्राय यह है, वहां पर धारणा का अर्थ तो वृत्ति बंध है, वृत्ति बंध का अर्थ यह है कल्पना से देखो उस चीज को, मन की वृत्ति से देखो। हम यदि ध्यान कर रहे हैं तो मन की वृत्ति से सोचो कि मूलाधार कमल है, ये इसके अधिष्ठात्री देव हैं, ये बैठे हैं, गणेश जी बैठे हैं, ये मन में सोचो। यूं नहीं कि उनकी तस्वीर लगा कर आंख खोल कर देखनी शुरू कर दी। तत्रापि तावत् वृत्ति मात्रेण बंधु धारणा, वहां पर भी वृत्ति कल्पना मात्र से उसका चिंतन करना, विचार करना, ऐसा ऐसा कमल है, ये धारणा कहलाती है। एक मनुष्य, अब हमें बहुत कहते रहते हैं ध्यान चलाओ, हमारा ध्यान चलाओ, हमारा ध्यान चलाओ, मेरे मन में तो बहुत बात आती है, ध्यान तो चलाऊं। सवेरे मैंने इसको भेजकर, दशरथ को भेजकर पूछवाया कितने आदमी ध्यान में बैठे, तो उसका उत्तर मिला एक तो कृष्ण वाली बैठी है और आदमी दो तीन बैठे हैं, दो तीन होते हैं आदमी, क्या तीन या चार हैं। और ये कहने वाले ध्यान चलाओ धन चलाओ, उनकी कोई संख्या ही नहीं, सारा दिन कहते रहते। मैं तो ध्यान चलाऊं, किंतु मैं जो उपदेश करता हूं उसका भी तो पालन करो, थोड़ा बहुत कुछ करके तो दिखाओ। इलाहाबाद में आए हो, अच्छा तुम अपने अपने में यू सोचते होगे कि गुरुजी नहीं आते यहां ध्यान में बैठने के लिए तो हम क्यों बैठे। गुरुजी की तो उम्र लंबी चली गई है, उनको तो विश्राम की जरूरत रहती है, इस उम्र में विश्राम करना चाहिए, काफी उम्र है। अब तुम्हें मैं क्या बता दूं, उसी के नजदीक नजदीक सो, चलो ज्यादा नहीं कम ज्यादा, एक आध वर्ष कम ज्यादा सुन लो, तो मेरी तुम्हारी उम्र तो बराबर है नहीं। अब की बार तो इतना है और अगली बार आने पर हमें उससे भी ज्यादा विश्राम की जरूरत पड़ेगी, तो मेरी नकल नहीं करनी चाहिए, मेरी बात को मानना चाहिए। बात को मानना तुम्हारा काम है, नकल करके फायदा नहीं उठा सकोगे, और नकल करो तो मैं वो भी कोशिश कर लूंगा भाई, यदि मेरी तुम्हें ज्यादा मुझे तंग करना तो मैं बैठ भी जाऊंगा आकर के, किंतु नहीं, मेरी स्वास्थ्य को देख करके मुझे तुम्हें इस प्रकार तंग नहीं करना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए। आज्ञा मान के तुम तो नौजवान हो, यहां बैठो आकर के, उठ जा करो चार बजे, आकर के दो घंटे जीव से बोल बोल कर मंदिर का जाप करो, दो घंटे जपते रहो,
सात बजे से हम चलते हैं, उस वक्त तो एक डेढ़ घंटा भटकर कम से कम 15 मिनट फिर ध्यान में ही बैठ लिया करो, फिर मेरे साथ गंगा स्नान करने चले चला करो। तो इसलिए देशबंध चित्तस्य धारणा, एक लक्ष्य में अपने चित्त को बांधे रहना, तत्रापि तावत वृत्तिवात्रेण बंधो धारणा, वहां पर भी कल्पना से विचार से अपने मन को लगाना, ये धारणा कहलाती है। ये व्यास जी महाराज ने कहा है, हमारे दादा परदादा करदादा ने, और उसकी आज्ञा का पालन तुम भी नहीं, ये व्यास भी नहीं करते उसकी आज्ञा का पालन। आदि व्यासदेव जी महाराज ने आज्ञा दी, तत्रापि तावद् वृत्तिमात्रेण बंधो धारणा। अच्छा, ये शास्त्रीय नियम है, 6 महीने जो धारणा का दृढ़ अभ्यास कर लेता है संयम नियम से रह करके, उसका ध्यान कुदरती लगने लग जाता है। 6 महीने तो बहुत लंबे होते हैं, ये 1 महीना माघ का जिसमें प्रयाग में रहने का बड़ा भारी फल है, यहां रहने का बड़ा भारी पुण्य है, जैसे कुंभ स्नान का पुण्य है वैसे प्रयाग में निवास करने का भी फल है बहुत ज्यादा। तो इस हालत में यदि तुम आज्ञा मान करके और 2 घंटे मंत्र का जाप कर लो, उसके बाद 15-20 मिनट ध्यान में बैठ जाओ, ये करने पर परिणाम ये निकलेगा कि ध्यान जमने लग जाएगा। कैसे जमेगा? तत्र प्रत्येक तारता ध्यानम, जहां धारणा कर रहे थे हम वो वहां पर प्रत्येक तारता हो जाए। प्रत्येक तारता मतलब सदृश प्रवाह, सदृश प्रवाह जब होगा तो जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वो दिखने लगेंगे, यूं दिखाई देने लगेंगे। ये नहीं होगा अब कृष्ण जी आ गए, राम जी आ गए, फलाने आ गए, फलाने आ गए, जिसका किया जाएगा वही दिखता रहेगा, उसका नाम हो जाएगा ध्यान। ध्यान में तीन चीज रहती है, एक ध्यान करने वाला ध्याता और एक ध्यान की प्रक्रिया, दो और एक ध्येय जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वो। ये 3 रूप क्रियात्मक ध्यान में रहा करती है। जब ध्यान परिपक्व होता चला जाएगा तो उसका परिणाम ही निकलेगा। बस ऐसे ध्यान करते करते तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में वह समाधि, जिसमें वही वही दिखते रहेंगे, अपना आपा भी दिखाई नहीं देगा। हम ये देखेंगे कि गणपति रहम, शिवो हम, रामो हम, कृष्णो हम, ये ज्ञान रहेगा ही नहीं कि हम कोई सांसारिक आदमी हैं। उसका नाम हो जाएगा समाधि, संप्रज्ञात समाधि। मैंने समाधि के भेद तुम्हारे सामने खोल कर कह दिए हैं। ये समाधि होते होते यदि धारणा, ध्यान और समाधि एक ही में रही है, धारणा करने लगे तो भी गणेश जी में, ध्यान भी उन्हीं का हुआ और समाधि भी उनमें ही होगी, तीनों एक विषय की जब हो जाएंगी उसका नाम संयम हो जाता है। त्रयम एकत्र संयम है, एक विषयक तीन हो जाए तो वो संयम कहलाता है। संयम सिद्ध हो जाने के बाद मनुष्य जहां जहां संयम करेगा उसको तत्काल जानने वाला बन जाएगा। तो इसलिए ये विधि है, क्रम है ये, किंतु सिद्धांत को याद रखो। स्वाध्यायात योगवासीत, योगात स्वाध्याय मामनेत, स्वाध्याय योग संपत्या प्रभात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय से योग को प्राप्त हो, जरा रटको तो देखो मंत्र को 2 घंटे,
ये ठीक है, प्रयाग गंगा वहाँ त्रिवेणी में संगम में स्नान करने के लिए चलते हैं हम लोग, सोई उससे पहले पहले ज्यादा पुरुषार्थी है भाई, वो 4 बजे से बैठ जाओ, किंतु 4 बजे तुम बैठ नहीं सकते, 5 बजे ही बैठ जाओ कोई बात नहीं, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, 6:30 बजे तक, 6:15 बजे तक जप कर लो, 15-20 मिनट फिर ध्यान में बैठ लो, बस 7 बजे से 7:45 बजे हम चलते हैं, उस समय तुम सब मिलकर के गंगा स्नान करने के लिए चला करो। तो इस विधि से यदि अपने अभ्यास कर्म को बुलाओ बनाओगे, उसके अतिरिक्त चलती ये तो इस प्रकार की बात है, मंत्रों के जपने में तो कुछ नियम होता है, गायत्री जपने वाले बिना नहाए धोए नहीं जप सकते, किसी और मंत्र का जाप करने वाले नहा धो करके बैठेंगे पूजन पाजन करके, किंतु ये मंत्र इस प्रकार का है, ये तो इसमें नहाने की जरूरत नहीं, धोने की जरूरत नहीं, नहाए जपो बिना नहाए जपो, खाकर जपो बिना खाए जपो, चलते चलते जपो बैठकर जपो, सोते सोते जपो चाहे जगकर जपो, इसमें कोई विधि निषेध है ही नहीं। यदि इस प्रकार से कुदरती वो चलने लगेगा तो कुदरती सहज समाधि का अवसर आ जाएगा। तो देखो मैं थोड़ी थोड़ी बात रोज समझा देता हूं, उन बातों को समझ करके अपने अभ्यास को बढ़ाओ, जो कल्याण का मूल है नियम पक्के करो। तुम प्रातः काल नहीं बैठ सकते, गंगा स्नान के बाद नाश्ता लेने के बाद फिर बैठ जा करो, जब कर लो, कोई मना नहीं करेगा, और कोई काम तो है नहीं, बाजार दूर में घूमने घामने थोड़े बहुत गए तो गए, नहीं तो बड़ा 2 घंटे मंत्र जाप कर लिया, फिर ध्यान लगा लिया, तो शाम के समय जाओ फिर चले जा करो। इस प्रकार से यदि धारणा ध्यान समाधि के अभ्यास को बढ़ाओगे और वो स्वाध्याय के बल पर बढ़ेगा, स्वाध्यायात योगमासीत योगात स्वाध्याय मामने, स्वाध्याय योग संपत्या परमात्मा प्रकाशते, जब परमात्मा का प्रकाश होगा तो भीतर के सभी दुख धीरे धीरे कटते चले जाएंगे, विशुद्ध ज्ञानमय बन जाओगे। जिनके मनों पर कोई और प्रभाव है, वो एक देवी का पति हमसे रोज पुष्प प्रसाद ले लेता है, उसकी हालत में सुधार है, इसी प्रकार किसी के बल के ऊपर भी कोई प्रभाव हो, प्रसाद तो ले ले किंतु अपने जप को बराबर करें, इस दायरे के अंदर प्रभु जी के चरण कमलों में कोई प्रभाव नहीं चलेगा किसी का भी, चाहे कोई कुछ करता रहे, कुछ नहीं चलेगा, और अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ा लोगे जप कर करके, फिर कहीं भी नहीं चलेगा, चाहे कहीं भी हो, कोई ऐसी बात नहीं, वो जहां पर प्रभु जी का तेज हृदय में कायम हो जाएगा, चाहे यहां हो, चाहे बनारस हो, चाहे बेलसरा हो, चाहे कहीं हो, चलेगा ही नहीं, बिल्कुल किसी की ताकत नहीं चल सकती ऐसी तैसी चलाने वाले की, उसकी चलाने वाली ताकत वाले की ऐसी नहीं, चलेगा ही नहीं। इसलिए नियम से मंत्र जाप करो बैठ करके, नियम से ध्यान में बैठो, जो कल्याण का आदि शोर। अब जा।